नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जीशान जावेद आपके साथ। चोपड़ा स्कूल के पास से चंदन का 20 साल पुराना पेड़ अज्ञात चोरों ने काट कर ले गए। घटना स्थल से सिटी कोतवाली आधा किलोमीटर की दूरी पर। रीवा किले के पीछे चोपड़ा स्कूल के बगल में शनिवार की रात अज्ञात चोर लगभग 20 वर्ष पुराना चंदन का पेड़ काट कर ले गए। चोरों ने पेड़ काटने के लिए आरी का इस्तेमाल किया, इतनी सफाई से किया। मुख्य मार्ग होने के बाद भी आबादी वाले इलाके में किसी को ही नहीं पता चला चंदन का पेड़ कब कटा, कब ले गए। जिस जगह पर यह घटना घटी उससे महज आधा किलोमीटर दूरी पर रीवा की सिटी कोतवाली स्थित है। इस बारे में हमने जिनके घर में चोरी हुई उनसे बात की। आइए आपको सुनाते हैं गौरी शंकर वर्मा ने रीवा दर्शन को क्या बताया। है ना, बुरा जो है उसकी महक है, बुरादा की जो है। कल रात में आप खाना होना खा के 12 बजे रात सो गए थे, सुबह उठे 4:30 बजे तो ये पेड़ कटा हुआ था, ये सब गिरा हुआ था। फिर क्या किए हैं आप? फिर फ़ोन किए 108 100 नंबर में, फिर वो आए सुबह बोले कि कोतवाली में आके रिपोर्ट करवाइए। फिर गए वहाँ, रिपोर्ट भी करवा के ले आए, अपने पास रिसीविंग सब है। ये हमारे यहाँ, ये सामने, ये मेरा मकान सामने है और ये यहीं, अब सुबह जब उठे तो पता चला कि ये चंदन का पेड़ जो है कट गया है, चोरों ने काट ले गए और आधा रोड पे उसकी डगाल वगैरह पड़ी हुई है। कहने का मतलब कि इस समय वृक्षारोपण पूरे देश में चल रहा है और शासन बड़े बड़े अधिकारियों से ले कर सब वृक्षारोपण कर रहे हैं, और शहर में और ये ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे आए दिन पेपर में पढ़ने में, समाचार में मिल रहा है और आप लोगों के माध्यम से, इस समय चोरों का, ये चंदन चोरों का एक गिरोह चल रहा है जो आए दिन इस तरीके से घटनाएं कर रहे हैं और चंदन के पेड़ काटे जा रहे हैं। इनका ये 20 से 25 वर्ष पुराना जो है तो ये चंदन का पेड़ रहा है जो लाखों रुपये का रहा है, और इस तरीके से शहर के बीचों बीच में ये मेन रोड में जो है तो इस तरीके से ये घटना रात में घटी है। निश्चित रूप से जो है तो जबकि पुलिस वगैरह के यहाँ पेट्रोलिंग वगैरह चलती रहती है, सिटी कोतवाली यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर दूरी पर है और चोपड़ा स्कूल जो है तो लगा हुआ है, बिल्कुल वही ग्राउंड से लगा हुआ है। निश्चित रूप से ये अच्छी बात नहीं है जो है शहर और गाँव के और पूरे ज़िले के लिए।